दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पार्ट 3 में। दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर, उसके बाद आगे करते हैं बात। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, ये है कॉलेज का फ्रंट। और अगर आपने इस कॉलेज के फ्रंट को देख लिया ना, तो दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। देखिए पूरा फ्रंट है ना, बहुत ही शानदार व्यू देता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप जरूर आइए घूमने और अपनी फैमिली के साथ आइए। दोस्तों यहाँ पे एक बैंक भी है, तो यूनियन बैंक भी यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों यूनियन बैंक आप देख सकते हैं, यूनियन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये FRI के अंदर ही है, ये बाहर नहीं है। FRI के अंदर ही आप बैंक की सारी सर्विसेज ले सकते हो। देखा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अंदर है, मेरा तो बल्कि यूनियन बैंक में ही अकाउंट है। दोस्तों ये कि यहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ पे 4 म्यूजियम है, उनमें से एक म्यूजियम ये है। दोस्तों ये मैं थोड़ा चोरी से बना रहा हूँ, क्योंकि इस म्यूजियम में अंदर हमें मना किया था चीज़ें बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, तो टिकट भी हमने लिया। दोस्तों 30 रुपये का एक टिकट था, हमें जो टोटल पड़ा वो हमें 60 रुपये का टिकट पड़ा था, क्योंकि हम दो लोग थे, मैं और मेरा भाई दोनों। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ से टिकट लिया। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 60 रुपीज़ की प्राइसिंग दिखा रखी है। तो दो लोग ही अगर आप जा रहे हैं तो 60 रुपये का ये टिकट है। और दोस्तों 4 म्यूजियम आप आराम से घूम सकते हो, तो 60 रुपये में 4 म्यूजियम घूमना कोई बुरा नहीं है। दोस्तों 15 रुपये में हम एक म्यूजियम पड़ गया, यानी कि अगर एक बंदे का भी देखें तो 7.5 रुपये। दोस्तों अब हम अंदर आ गए, तो मैं ना ये बड़ी छुप छुप के बना रहा हूँ, क्योंकि ये अलाउ नहीं था मतलब यहाँ पे बनाना, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँ। दोस्तों म्यूजियम में मैं अंदर आया, मुझे ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या रखी हुई हैं, लेकिन तब भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो शायद आपको भी ये ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन दोस्तों आप अगर इस म्यूजियम में आओगे ना, तो वाकई में आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया लगेंगी। और बहुत बढ़िया यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आप ये म्यूजियम में देख सकते हो दोस्तों इजीली। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे ऐसी रखी हुई हैं जो कि काफ़ी हमारे प्राचीन टाइम की हैं। तो उन प्राचीन टाइम की चीज़ों को हम जब म्यूजियम में देखते हैं ना, तो दोस्तों वाकई में आनंद आता है। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा मतलब छुप के बना रहा था, तो इसलिए शायद ये वीडियो आपको ऐसी लग रही होगी। तो लेकिन अगर आप यहाँ म्यूजियम में जाएंगे, तो ये वाला जो दोस्तों म्यूजियम है, बहुत ही बढ़िया म्यूजियम है। ये देखिए यहाँ पे एक पूरा घर रखा हुआ है, उसके अलावा ये हाथी के दांत रखे हुए हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। अभी हम ये पहले म्यूजियम में ही थे, टोटल 4 म्यूजियम थे, जिनमें से 3 खुले हुए थे, एक दोस्तों बंद था। लेकिन मैं आपको जो ये वीडियो है ये एक की ही दिखा पाऊंगा, बाकी जगह हमने वीडियो शूट नहीं करी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रखी हुई हैं, मुझे तो ज़्यादा चीज़ें समझ भी नहीं आई। आप जब जाएंगे तो एक बार जाएंगे तो मुझे समझाइएगा ज़रूर आके। तो दोस्तों बहुत बढ़िया म्यूजियम यहाँ पे बना हुआ है। और फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट जब मैं घूमने आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे एक चीता भी रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। अभी तक मैंने आपको जितना दिखाया इतना ही है, घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने 4 म्यूजियम भी यहाँ पे घूमे। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वो हमने नहीं करी। और म्यूजियम में 60 रुपये का टिकट था, मतलब हम दो लोग थे तो हमारा 60 रुपये का टिकट लगा। वैसे आप एक बंदे होंगे तो 30 रुपये का टिकट लगेगा। और बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी अच्छी है, ग्रीनरी में देख रहा हूँ काफ़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी ग्रीनरी है, तो ये मतलब फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर का ही एरिया है। यहाँ पे शूटिंग हुई थी मूवी की, और बहुत बढ़िया जगह है, घूमने आपको आना चाहिए। मतलब अगर आप सर्च भी करेंगे कि देहरादून की कौन कौन सी जगह है फेमस, तो उनमें ये भी ज़रूर दिखाता है, और बहुत बढ़िया जगह है, तो घूमने आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपके भाई ने मेहनत करके बनाई है वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। और इसके अलावा दोस्तों कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कैसी आपको मेरी वीडियो लगी। और दोस्तों अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने टूरिस्ट हैं जो कि उत्तराखंड में प्लान कर रहे हैं देहरादून में आने का, वो इस जगह को घूमने से मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।